Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students, now our next question is question number 23. What do you observe when you drop few drops of acetic acid to a test tube containing? आपको एक टेस्ट ट्यूब दी है, फोर टेस्ट ट्यूब दी है जिसके अंदर क्या है, एसिटिक एसिड. आपने चारों टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स को ऐड किया है. इंडिकेटर्स मीन्स कुछ भी आपने चारों में ऐड किया है, वो इंडिकेटर एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है या कोई वैसी इंडिकेटर भी हो सकता है. तो आपको ये बताना है क्या रिजल्ट होंगे, क्या रिएक्शन होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने एसिटिक एसिड में फिनोफ्थलिन को ऐड किया तो क्या होगा. फिनोफ्थलिन क्या है, इंडिकेटर है, एसिड बेस रिएक्शन को बताता है. सो फिनोफ्थलिन का कलर क्या होता है, पर्पल कलर. व्हेन फिनोफ्थलिन इज एडेड इट विल लूज इट्स कलर एंड बिकम कलरलेस. एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में जब भी आप फिनोफ्थलिन को ऐड करोगे वो अपना कलर चेंज कर देगा, मतलब पर्पल टू कलरलेस. ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टिल वाटर. जब आपने एसिटिक एसिड में डिस्टिल वाटर डाला क्या होगा, एसिड है वो, आप उसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा. So acetic acid will thoroughly mix with distilled water. अगर हम reaction देखें तो CH3COH, water डाला है आपने इसमें, CH3CO negative plus H positive. ठीक है, now अगर आपने उसमें universal indicator डाला, ये भी एक indicator है, acid और base में different different colors देगा, तो universal indicator will turn slightly red. उसका color क्या हो जाएगा, red. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम बाई कार्बोनेट. जब आपने एसिटिक एसिड में सोडियम बाई कार्बोनेट को डाला, एसिटिक एसिड है, सोडियम बाई कार्बोनेट बेस है, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, वहां पे एक सॉल्ट फॉर्म होगा और कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो सोडियम एसिटेट, ये सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर विल फॉर्म. एक बार रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, CH3COH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आपने इसके अंदर मिक्स किया, क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव Na सोडियम एसिटेट का सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस